हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक कैटल में टोमेटो सूप। नॉर्क टोमेटो सूप का रेडीमेड पैकेट है। इलेक्ट्रिक कैटल, इसको रखेंगे हम, स्विच ऑन करेंगे। अब हम उसमें डालेंगे एक गिलास पानी। अभी मौसम ऐसा है, एकदम ज़ोरदार बारिश आ रही है, तो बारिश में गर्मा गर्म सूप का मज़ा लेंगे। बहुत ईजी है हॉस्टल रेसिपी, हॉस्टल में सूप पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो गर्मा गर्म सूप के लिए पानी गर्म कर दिया। अब हम ठंडे पानी में पहले ये वाला पाउडर जो है पाउच में जो है उसको मिक्स करेंगे। आप उसको डायरेक्टली ठंडे पानी में पूरा मिक्स करके उसको गर्म करें वो भी चलेगा, बट मुझे ये तरीका अच्छा लगता है। तो अभी मैंने उसको वो पाउडर को डाल दिया ठंडे पानी में चम्मच से उसको अच्छे। आप एकदम गर्म गर्म पानी में ये पाउडर डालेंगे तो इसके अंदर रहता है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर पानी में जाते से ही गुठलियाँ तैयार हो जाती है, इसलिए उसे इसको ठंडे पानी में मिक्स करो थोड़े से, और फिर उसको डालेंगे हम गर्म पानी में। अब उसको पूरा डाल दो और अच्छे से मिक्स कर लो। दो से तीन उंगली आने तक के गोल चलाते हुए, जब ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तब उसको बंद करो इलेक्ट्रिक कैटल को, और बढ़िया से गर्मा गर्म सूप जहाँ मन चाहो वहाँ। इलेक्ट्रिक कैटल जिंदाबाद। तो देखो अभी अब स्विच ऑन कर देंगे हम, बढ़िया से बन रहा है। बहुत तेज़ बारिश में गर्मा गर्म सूप का मज़ा लीजिए, वो भी इलेक्ट्रिक कैटल में, कहीं पे भी बना सकते हैं सूप आप। मैंने टोमेटो सूप बनाया है, आप नॉर के, चिंग्स के, कोई भी सूप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका सूप परफेक्ट कंसिस्टेंसी से बनेगा, एकदम बढ़िया से। अभी देखो लगभग दो से तीन उपली अच्छी से आ गई उसकी, अब उसकी कंसिस्टेंसी बढ़िया हो गई है। देखिए अभी आपको और ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा पानी आप कम ले सकते हो, बट अभी ये परफेक्ट बनेगा। जो मैंने एक गिलास पानी लिया था, एक कप पानी, और उसको उकलेंगा वो थोड़ा सा, बढ़िया से बन जाएगा। दो से तीन उंगली आ गई, अब हम उसको गर्मा गर्म लेंगे। आप भी इसका मज़ा लीजिए इलेक्ट्रिक कैटल के अंदर गर्मा गर्म सूप। बस साइड में कर दिया हमने हमारा कैटल का हीटर, और अब हम इसको कप में डाल के बढ़िया से, आप कोई भी सूप बना सकते हैं, चाहे मनचाओ सूप बनाइए, चाहे टोमेटो सूप बनाइए, इसी प्रोसेस से बहुत बढ़िया बना है। एकदम खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा नमक कम होता है इसके अंदर, तो मैं इसमें थोड़ा सा दो चुटकी नमक डालूंगी। आप टेस्ट करके अपने हिसाब से उसमें नमक डालो। अगर आपके पास काली मिर्च है, हॉस्टल में हो हम, तो वो भी डाल सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ इसमें थोड़ा सा दो चुटकी नमक डाला है, और इसको हम ऐसे मस्त इसका मज़ा लेंगे। तो चलिए आप भी पीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी और कैटल की रेसिपीज़ है, जैसे कैटल में बनाया चाय, वो भी देखिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।